दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही पावरफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक ऐसा प्रिंटर रिव्यू होने वाला है जो मेरे लाइफ का पहला इतने बजट का प्रिंटर होगा। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर ही देख लिया कि ये जो प्रिंटर है वो 2.5 लाख के अंदर में आता है, यानी 2,50,000 के अंदर में ये प्रिंटर आता है। तो इतने बजट में प्रिंटर को बाय करके आप उससे क्या कर सकते हैं, क्या कुछ वर्क उससे किए जा सकते हैं और किस किस जगह के लिए उस प्रिंटर को आप बाय कीजिए, बिल्कुल कंफर्म बताऊंगा, क्योंकि आपका पैसा गलत जगह पे नहीं इन्वेस्ट होना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है अगर आप हमारे चैनल के यूजर्स हैं, और जो मेरे पुराने यूजर्स हैं उनको दिल से धन्यवाद इतने दिनों के सपोर्ट बनाए रखने के लिए। आगे भी इसी सपोर्ट की मैं आशा रखता हूँ, और जो नए यूजर्स हैं उनसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप भी हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें और आप भी हमारी बातों को जान सकें। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस प्रिंटर के बारे में सारी डिटेल, क्या इसकी परफॉर्मेंस है, कहाँ के लिए इसको लेना चाहिए, क्या इसका एक्चुअल बजट है, यानी ये मैंने एक तो अंदाज़ा बता दिया आपको, लेकिन एक्चुअल बजट भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और इसकी काफ़ी सारी डिटेल्स आपको वीडियो में ही मिल जाएगी। बाय करने के लिए मैंने अभी तक इस प्रिंटर का रिव्यू इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसका इंडिया में मिल पाना मुश्किल था। तो मैंने कानपुर और गुजरात दो जगह पे मैंने बात की है, तो वहाँ से ये प्रिंटर बाय किया जा सकता है। जिन बंदों को ये प्रिंटर बाय करना है आप लोग बाय कर सकते हैं, बाय करने का पता भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये प्रिंटर हमारे पास से बाय करते हैं तो आपको मैं सस्ता दिला सकता हूं, ठीक है, कुछ सस्ता दिला सकता हूं। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2.5 लाख का प्रिंटर मैं 1.5 लाख में दिला दूंगा, ऐसा नहीं है, कुछ सस्ता दिला सकता हूं। मेरे आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मुझसे कॉल पे बात करने के लिए, व्हाट्सएप पे बात करने के लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा। ज्वाइन बटन करके आप मिस्टर गिट्टी देवांग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप मुझसे व्हाट्सएप चैटिंग और कॉल पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन सा हमारा प्रिंटर है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं और क्या उसका एक्चुअल बजट है, और क्या हमारे लिए, क्या आपके लिए वो प्रिंटर बेस्ट होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग फुल डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट वीडियो थी वो सबसे सस्ते प्रिंटर की थी, इतना सस्ता प्रिंटर कि आपने शायद ना अभी तक जाना हो कि यार इतना सस्ता प्रिंटर भी होता है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन ऊपर आई बटन दोनों जगहों पर दे दिया है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे मोटिवेशन के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ये प्रिंटर बेस्ट लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कि आज का प्रिंटर जो है वो कमाल धमाल होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवांग, आप देख रहे हैं मिस्टर क्रिएटिव देवांग। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा कौन सा प्रिंटर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रांड की बात करूं, तो ब्रांड में आपको बता दूं कि आज हम एप्सन ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। एप्सन ब्रांड में पहले बता दूं कि फोटो स्टूडियो के लिए मैंने आपको कई सारे प्रिंटर सजेस्ट किए हैं, ठीक है, जिसमें एप्सन L805, L850 और 1881SC जैसे मॉडल्स के बारे में हमने बात की है। सभी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ऊपर आई बटन में भी दे दी है, तो आप देख सकते हैं। फोटो स्टूडियो की पूरी प्लेलिस्ट की बटन ये रही, आप उस पर क्लिक करके फोटो स्टूडियो की पूरी प्लेलिस्ट, पूरी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा प्रिंटर है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एप्सन ब्रांड का होने वाला है, अंडर 2.5 लाख रुपीस के बीच में होने वाला है। तो आपको एक्चुअल प्राइस जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों आज का जो हमारा प्रिंटर है उसका मॉडल क्या है, तो उसका मॉडल है एप्सन का, ठीक है, श्योर लैब SLD830, ठीक है, ये इसका मॉडल नंबर है। ये प्रिंटर आप किस किस वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले मेन पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं फोटो स्टूडियो, ठीक है। फिर ये हाई लेवल में आप उसको यूज कर सकते हैं फोटो लैब के लिए, ठीक है। कंपनी खुद गारंटी देती है कि हाँ ये फोटो लैब के लिए प्रिंटर जो ये है वो बिल्कुल परफेक्ट प्रिंटर है, ठीक है। अब आप इसमें करिश्मा एल्बम्स जैसी वर्क जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। करिश्मा एल्बम्स का भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा, और उसके प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है करिश्मा एल्बम के, बचत काफ़ी अच्छी खासी बचत आपको देखने को मिल जाएगी करिश्मा एल्बम के वर्क में, ठीक है। इसका जो प्रिंट रेजोल्यूशन है, ठीक है, प्रिंट स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें, तो इसका जो मैक्सिमम प्रिंट रेजोल्यूशन है वो 5760x1440 DPI आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन है। और यहाँ पर इसकी हेड की क्वालिटी, इसकी जो प्रिंट की क्वालिटी है वो रेजोल्यूशन को पीछे छोड़ देती है, यानी जो बाकी के प्रिंटर 5760x1440 DPI वाले हैं उनको पीछे छोड़ देती है इसकी क्वालिटी, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो एक नंबर की क्वालिटी है और एक नंबर का प्रिंट निकाल के आपको देती है।
यहाँ पर जो इस प्रिंटर के साथ इंक है वो अल्ट्रा क्रोम आपको इंक मिलेगी, D6 की इंक जो होगी वो मिलेगी, यानी बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की, बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस की इंक यहाँ पर आपको दी जा रही है। प्रिंट स्पीड की बात करूँ तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे कि ऐसी प्रिंट स्पीड इसकी बताई गई है। तो इसमें 360 पेपर, 4R पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, तो 360 पेपर्स आप एक घंटे में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, पर मिनट आप बजट लगा सकते हैं, पर मिनट आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितने पेपर का मिनट यहाँ पर देखने को प्रिंटआउट मिल जाएगा। दोस्तों, ये प्रिंटर लेने के बाद आप फोटो स्टूडियो के बिजनेस में बहुत ज़्यादा आगे लेवल तक जा सकते हैं, यानी एक फ्यूचर बेस्ट प्रिंटर है। ठीक है, यानी ये जो एक प्रिंटर है वो आपको फ्यूचर में पछताने वाला काम नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए आप इतना मोटा बजट खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बाकी व्यवस्थाएं भी मेंटेन रखिएगा। क्योंकि देखिए, अगर आपने प्रिंटर लेकर रख लिया, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास स्टूडियो बेस्ट नहीं है, कैमरा बेस्ट नहीं है, तो आपको ये प्रिंटर लेना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी साबित होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, कैमरा अगर नहीं है तो फोटो स्टूडियो का वर्क कैसे चलेगा अगर कैमरा बेस्ट नहीं है। ठीक है, स्टूडियो नहीं है तो आप कहाँ तक ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसलिए स्टूडियो को मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है, कैमरा मेंटेन कर लीजिएगा। आपको जो भी आपको कैमरा पसंद हो, DSLR वगैरह, कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक कैमरे की वीडियोस भी आपको दूंगा जिसमें मैं आपको एक बेस्ट कैमरा, हाई परफॉर्मेंस कैमरा बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि जो इतना बजट प्रिंटर पे खर्च कर रहा हो, ठीक है, वो कैमरे पे भी अच्छा बजट खर्चा करेगा और वो एक फ्यूचर के लिए अपने इस बिजनेस को चुन सकता है। ठीक है, आप अपने फोटो स्टूडियो के वर्क के साथ और भी काफ़ी सारे वर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इप्सन L805 से होने वाले वर्क्स की वीडियो मैंने आपको बनाकर दी है, आप उसमें देखिएगा कि मैंने कौन कौन से वर्क्स बताए हैं जो आप फोटो स्टूडियो के साथ साथ रन कर सकते हैं। अगर मैं कुछ हिंट देना चाहूँ तो मैं आपको बता दूँ, जैसे आपने पिलोज प्रिंटिंग देखी है, तकिया पे जो प्रिंट होता है, ठीक है, कफ मग प्रिंटिंग देखा है, चाबी छल्ले पे प्रिंटिंग देखा है, टी शर्ट प्रिंटिंग देखी है, तो ये सारे वर्क्स हैं जो आप रन कर सकते हैं फोटो स्टूडियो के वर्क के साथ। दोस्तों, नेक्स्ट संडे मैं लाइव आने वाला हूँ, जो संडे आ रहा है उसमें मैं लाइव आने वाला हूँ। समय आपको नीचे दिख रहा होगा कि किस समय मैं लाइव आऊँगा, तो उसी समय आप लोग लाइव मेरे चैनल पर जुड़ जाइएगा हमसे, और जो भी आपको सवाल पूछने हैं आप पूछ सकते हैं, मैं साथ ही साथ जवाब देता रहूँगा। व्हाट्सएप और कॉल पर बात करने की मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आप ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल के मेम्बर बन सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे हमेशा। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक आप कॉल पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, और आपके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके लिए, खाली आप मेंबर्स के लिए, जो मेंबरशिप ज्वाइन करे होंगे उनके लिए भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर दूंगा, उनके भी डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग नहीं होंगे और सभी के सवालों के बेहतर तरीके से जवाब दिए जा सकेंगे। और जो मेंबरशिप लाइव स्ट्रीमिंग होगी वो अदर यूजर्स को नहीं दिखेगी, अदर व्यूअर्स को नहीं दिखेगी, जो मेंबरशिप ज्वाइन किए होंगे सिर्फ उनको दिखेगी। ठीक है, तो अगर आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट संडे मैं जो भी, जिस भी समय पे आऊँगा, नीचे लिखा हुआ आ रहा है तो आप देख सकते हैं, उस समय पे आप लाइव आ जाइएगा, कनेक्ट हो जाइएगा हमसे, जो भी सवाल आपको पूछना है आप उस संडे को पूछ सकते हैं, आपका मैं रिप्लाई तुरंत करूँगा, क्योंकि वो मैं लाइव होऊंगा और आप कमेंट करेंगे, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेस्ट, किसी मसाले टॉपिक के साथ। आज का जो प्रिंटर है वो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप भी एक मशीनरी डिजाइन कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट मसालेदार वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट बेस्ट, किसी पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।